जय भोले जी की। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही यात्रा पर जाने की अनुमति होती है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यात्रा के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है। यदि कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक के ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो वे ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 31 मई तक ही किए जाएंगे। जो भी फॉर्म श्राइन बोर्ड को 31 मई तक मिल जाएंगे, वही फॉर्म ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होगा। ग्रुप रजिस्ट्रेशन पहले आए पहले पाए की प्रक्रिया पर किया जाता है। वो भी इस बात पर निर्धारित करता है कि जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उस दिन उस रूट यानी कि मार्ग पर परमिट के लिए डेट्स खाली होंगी। एक डेट पर 50 से अधिक ग्रुप रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाते हैं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए ग्रुप में जाने वाले यात्रियों में से कोई भी एक यात्री ग्रुप लीडर के तौर पर सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर पोस्ट के जरिए नीचे दिए गए एड्रेस पर कोरियर करने होंगे। यदि आप अपना कोरियर अपने डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में श्राइन बोर्ड को भेजते हैं, तो आपको ये वाला एड्रेस यूज करना होगा। और यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स 1 मई से 31 मई के बीच में भेजते हैं, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट इस वाले एड्रेस पर कोरियर करने होंगे। आइए बता दें कि ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक यात्री के भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखिए, ये सभी के एप्लीकेशन फॉर्म्स हमने भर लिए हैं। अगला है प्रत्येक यात्री का कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि श्राइन बोर्ड पर दिए गए डॉक्टर की लिस्ट द्वारा प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड हुआ हो। प्रत्येक यात्री के 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जिसमें कि एक फोटोग्राफ में आपको फ्रंट में साइन करना होगा। इसके अतिरिक्त एक लेटर पर ग्रुप लीडर का एड्रेस, ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात वो उस एड्रेस पर परमिट कोरियर कर सके। ग्रुप लीडर का ईमेल आईडी और फोन नंबर, ताकि आवश्यकता पड़ने पर श्राइन बोर्ड आपसे कांटेक्ट कर सके। ग्रुप रजिस्ट्रेशन की फीस के बारे में बता दें कि इन डॉक्यूमेंट के साथ एक बैंक ड्राफ्ट, जो कि चीफ अकाउंट ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के नाम पर बैंक से बनवाना होगा। जिसमें कि आपकी यात्रा रजिस्ट्रेशन फीस और पोस्टल चार्जेस शामिल होंगे। एक यात्री की रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपए है और पोस्टल चार्जेस इस प्रकार हैं। यदि आपका ग्रुप 1 से 5 के बीच में है, तो आपके चार्जेस 50 रुपए लगेंगे। यदि आपका ग्रुप 6 से 10 लोगों का है, तो आपके 100 रुपए लगेंगे। इसी प्रकार 11 से 15 लोगों का ग्रुप है, तो आपके 150। 16 से 20 लोगों का ग्रुप है, तो 200 रुपए। 21 से 25 लोगों का ग्रुप है, तो 250 रुपए। और यदि आपका ग्रुप 26 से 30 लोगों के बीच का है, तो आपको 300 रुपए पोस्टल चार्जेस देने पड़ेंगे। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें, जैसे कि कोई भी यात्री यदि 13 साल से कम उम्र का है, और यदि कोई भी यात्री 75 साल से ज्यादा उम्र का है, या कोई भी महिला 6 सप्ताह से गर्भवती है, तो उन्हें यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो डेट आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखी है, यदि उस डेट की जगह खाली नहीं है, तो श्राइन बोर्ड ग्रुप लीडर को फोन करके बताएगी कि जिस दिन आप यात्रा पर जाना चाहते हैं, उस दिन का ग्रुप रजिस्ट्रेशन का स्लॉट खाली नहीं है। श्राइन बोर्ड आपको अगली तारीख का विकल्प भी देगी। यदि ग्रुप लीडर की सहमति हो, तो वे उस तारीख के लिए हाँ कह सकते हैं। यदि नहीं है, तो ड्राफ्ट में जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आपको वापस कर दी जाएगी। याद रखिए कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही आपको वापस दी जाएगी।
पोस्टल फीस नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह पोस्टल फीस वे परमिट को आपके एड्रेस पर कोरियर करने के लिए हमसे एडवांस में ले लेते हैं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए 15 फरवरी के बाद के ही मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट मान्य होंगे। दूसरा, यात्रियों को उसी दिन यात्रा करने की अनुमति होगी जो डेट आपके परमिट पर लिखी होगी। इसके अतिरिक्त यदि ग्रुप रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें 9891999236 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। जय भोले जी की।